अभी मतलब पूरा डार्मा तक अंदर तक नहीं पहुंच पाए तो क्या हुआ, धूल 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 खा खा के जो है पेपरों में भर गई है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग फ्रॉम धारचूला। सो यार कल जो रात को मतलब नींद है ना वो प्रॉपर तरीके से आई नहीं, और कल पूरी रात जो है यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो मेरा कोई भी एसेट चार्ज नहीं है, और मतलब जैसे तैसे करके वो मतलब एक जो मेरे कैमरे की बैटरी है वो मैंने वो सामने वाली दुकान से जो है वो चार्ज कर ली है पूरी फुल। बाकी जितने भी एसेट थे वो सारे जो है मैंने चार्जिंग पे लगा दिए हैं, पीछे वाले जो बाइक में सॉकेट है उससे लगा दिए हैं मैंने। सो अब चलने की तैयारी है। एक्चुअली मैं सर्च कर रहा था फॉर आदि कैलाश एंड ओम पर्वत परमिट, बट यहाँ पे जो है ना तो मुझे आदि कैलाश का परमिट अभी दे रहे हैं और ना ही ओम पर्वत का, कह रहे हैं कि उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह का इशू हो रहा है और अभी स्नो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है कोई भी व्हीकल जो है अलाउ नहीं कर रहे हैं गुंजी तक जाने के लिए। सो इसलिए जो है परमिट का तो हो नहीं पाया, बट वी हैव अनदर प्लान। सो मैं निकल रहा हूँ अभी डार्मा वैली की तरफ को, और डार्मा वैली की तरफ देखते हैं कितना पहुंच पाएंगे। वैसे तो कह रहे हैं कि वहाँ तक कोई परमिट नहीं चाहिए, बट वो वहीं पहुंच करके पता लग पाएगा कि परमिट क्यों चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा, या रास्ता बंद तो नहीं है कहीं। अभी के लिए कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ पे परमिट वगैरह और रास्ता कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बाकी सुनने में आ रहा है कि बहुत तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग है जो डार्मा वैली तक है। फ़ोन मेरा पूरा डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, और जिसे कहते हैं अपना कैमरे भी सारे डिस्चार्ज पड़े हुए हैं। सो मैंने जो है पीछे वाले सॉकेट्स में लगा दिए हैं दो कैमरे, तो जैसे जैसे वो चार्ज हो जाएंगे तो बैटरी मुझे एटलीस्ट मोटर ब्लॉक करने के लिए मुझे जो है पूरी बैटरी जो है वो मिल जाएगी। ये गाड़ी वाला भाई पता नहीं हटा ले यार, चलो हट गई। सो ये जो है मतलब गूंजी जाने वाली रोड है, और इस रोड से सीधे जो है आप गूंजी ओम पर्वत तवा घाट जा सकते हो, बट मैं वहाँ तक नहीं जाने वाला हूँ, मुझे जो है बीच में से ही टर्न लेना पड़ेगा फॉर डार्मा वैली। सो तवा घाट तक तो ये रोड बिल्कुल सीधे जाओगी, और यार मेरे बिल्कुल सामने नज़ारे देख सकते हो, सामने जो है पूरे स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, अजब गजब नज़ारा है भाई यहाँ का, अजब गजब नज़ारा जिसे कहते हैं। और रोड्स की बात करूँ तो यार ये देख ही सकते हो कितना स्टीप जिसे कहते हैं चढ़ाई है बिल्कुल एकदम रोड के ऊपर। और ये आगे वाला यार गाड़ी वाला जो भाई है बहुत धूल उड़ाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं जल्दी से जल्दी बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि या तो ये पहले क्रॉस हो जाए या फिर जो है मैं पहले क्रॉस हो जाए, दोनों में से एक हो जाए। पत्थर बहुत ज़्यादा है यार रोड पे, बजरी पड़ी हुई है पूरा, मतलब ऑफ रोड है, काम चल रहा है, नए कैलाश मानसरोवर रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू है अभी, तो उनका काम चल रहा है यहाँ पे। यार दोनों साइड में जिसे कहते हैं ना मतलब रोड़ी बजरी फेंक रखी है, और मतलब असली जिसे कहते हैं ऑफ रोड का मज़ा जो है वो यहीं पर है। देख सकते हो दोनों तरफ जो है मतलब कितनी भयंकर तरीके से ऑफ रोड की वो है, और बीच में तो कहीं कहीं पैच अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अच्छे नहीं है, बट कम पैच अच्छे हैं, ज़्यादातर जो है ऑफ रोडिंग ही है। सामने एकदम जिसे कहते हैं बहुत बढ़िया वाला नज़ारा जिसे कहते हैं देखने को मिल रहा है। यार मन कर रहा है कि यहाँ पे खड़े होकर के जो है ना थोड़ी देर रेस्ट किया जाए, बट अभी अभी निकला हूँ तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा खींच लिया जाए रेस्ट वेस्ट, तो देखा जाएगा यार सारे दिन पड़ा है रेस्ट करने के लिए। अभी सवेरे सवेरे का टाइम है, जितनी कम धूप होगी उतना ज़्यादा खींचा जा सकता है अभी। सो गाइस मोबाइल जो है वो थोड़ा 10-15% जो है वो चार्ज हो गया,
तो मैं रुक गया व्लॉग बनाने के लिए। एक्चुअली मैंने 15 किलोमीटर डन किया है ऑन द वे टू तवा घाट। तवा घाट से एक रास्ता कटेगा टुवर्ड डरमा वैली। सो मैं जो है आपको अभी दिखाने के लिए रुक गया। ये गजब वाला व्यू, तो थोड़ी देर और मोबाइल लगाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 30-35% जब चार्ज हो जाएगा देन मैं फिर फोटोज़ वगैरह क्लिक करके प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा। मतलब थोड़ा मोबाइल चार्ज करना है क्योंकि चार्ज एसेट कुछ भी नहीं है, तो चल रहे हैं अभी मोबाइल लगा रहा हूँ चार्जिंग पे फिर से। सो गाइस, मैं हूँ अभी तवा घाट पे और डरमा वैली के अंदर 20 किलोमीटर जा करके जो है मैं वापस आया हूँ। एक्चुअली कुछ बाइकर मिले थे, वो कह रहे थे कि रास्ते पे अभी कोई ग्लेशियर वगैरह गिर गया है और उसकी वजह से जो है आगे नहीं जा पा रहे हैं। सो इसलिए जो है वो लोग भी वापस आ गए और मैं भी वापस आ गया। ये सामने जो है अपने को बहुत अच्छी दुकान मिली, यहाँ पे भी थोड़ी देर मैंने अपना एसेट वगैरह जो है वो चार्ज किया और मतलब अभी जो है एसेट वगैरह सही चार्ज हो गया मेरे पास। सो वापस चल रहे हैं यार धारचूला की साइड को, और वापस चलते चलते ना मैं आप लोगों को कुछ बढ़िया चीज़ जो है वो दिखाना चाहता हूँ। मतलब आप लोग देखना और इमेजिन करना कि यार कितनी बढ़िया चीज़ है ये। मेरे साइड में जो देख रहे हो ये है काली नदी, जो कि काला पानी से सीधा जो है यहाँ तक आती है, काला पानी गूंजी के आसपास जहाँ पे ओम पर्वत के लिए ट्रैक जाता है वहाँ से यहाँ तक आती है। और इस नदी के बिल्कुल लेफ्ट साइड वाले जो माउंटेन्स हैं वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो नेपाल के अंदर आता है, और जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये रोड पूरी इंडिया के अंदर आती है। और ये सामने देख रहे हो ये है तवा घाट का ब्रिज, बहुत फेमस ब्रिज है क्योंकि इसी ब्रिज के लेफ्ट साइड से ये रास्ता जाता है डरमा वैली के लिए। और इस ब्रिज को क्रॉस करके अगर आप चले जाओगे तो चले जाओगे सीधे गूंजी और ओम पर्वत के लिए। सो जो मैं दिखाना चाहता हूँ यार नेपाल वाले हिल्स और नेपाल वाले माउंटेन वो अभी आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा टर्न ले लें बस एक बार या सो ये देख रहे हो ये लेफ्ट साइड वाले जितने भी माउंटेन्स हैं ये सारे आते हैं नेपाल के अंदर। मतलब ये जो रिवर है ये डिवाइडर है, इस रिवर के इधर वाले जितने माउंटेन्स हैं वो नेपाल के अंदर हैं और जिस पे मैं चल रहा हूँ ये जो है इंडिया के अंदर है। और साइड बाय साइड जो है नेपाल के अंदर भी एक ऐसा ही हाईवे जाता है, जैसे अपने हाईवे का नाम है धारचूला हाईवे, सो नेपाल वाले हाईवे का नाम है पूरा महाकाली हाईवे करके नाम है। मैंने मेरे को एक्चुअली पता नहीं था, मैंने गूगल मैप पे ही देखा कि हाईवे का नाम क्या है। सो वो हाईवे जो है साइमल्टेनियसली अपने जो है साथ साथ जो है वो चलता रहता है पूरा हाईवे। यार पता है क्या है, नींद सी हल्की सी आने को हो रही है क्योंकि रात में पूरी अच्छी तरीके से नींद पूरी हो नहीं पाई है। सो क्या किया जाए, बस देखते हैं और कितना खींचेंगे। सो अभी अपना सीन ये है कि अपन निकल पड़े हैं वापसी की तरफ, और वापसी की तरफ में मतलब मैंने ये सोचा है कि आज जो है बागेश्वर तक जाएंगे। सो देखते हैं बागेश्वर तक भी कितना खींच पाती है बाइक। फ़िलहाल जो है धूमकेतु का पेट भरा पड़ा है, मैंने धारचूला से निकलने के वक्त जो है पेट्रोल पूरा फुल टैंक एकदम जो है करा लिया था। सो गाइस ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के आसपास जो है मैं अभी धारचूला से नीचे आ चुका हूँ एंड जा रहा हूँ टुवर्ड्स बागेश्वर। मैं एक्चुअली मैं रुक गया थोड़ा सांस लेने के लिए, अभी दोपहर तो शायद हुई नहीं है, अभी 11:30-12 के आसपास हो रहे होंगे। और नज़ारों की बात करूँ तो यार बिल्कुल ही गर्माया हुआ मौसम हो गया जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ। तो मैंने डिसीज़न ये लिया है कि इससे पहले कि मैं डेली की तरीके से एग्जॉस्ट हो जाऊँ तो मैं ये जैकेट के अंदर जो वेस्ट वगैरह है इसे उतार करके जो है अभी थोड़ी देर के लिए अंदर पैक करूँगा, और जैसे जैसे मतलब मौसम थोड़ा और आगे ठंडा होता जाएगा तो उसके बाद जो है मैं निकाल लूँगा। बाकी यार कुछ एज सच कुछ खास अभी कुछ दिख नहीं रहा दिखाने के लिए। कुछ ड्रोन शॉट वगैरह खड़े खड़े मैंने यहाँ पे लिए हैं, वो आप देख लो, इन्जॉय करो नेचर को, और मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ अभी ठीक, ताकि ये उतार के आराम से जो है सेटल कर लेता हूँ अंदर, कोई दिक्कत ना आए इसलिए। ठीक है,
सो गाइस, प्लान में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। एक्चुअली में मैंने जो है जॉल जीवी से ये रूट ले लिया है जो कि सीधा जो है अपने को लेकर के जाएगा मुंशियारी। सो अपना प्लान आज बागेश्वर जाने का बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये था कि प्लान अनप्लान्ड राइड चल रही है, तो यार कहीं भी कभी भी जो है मुड़ सकते हैं अपन, ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल अपना नहीं है। सो मतलब ये जो है हाईवे सीधा जाएगा मुंशियारी, और बहुत ही जिसे कहते हैं यार बढ़िया वाला हाईवे है ये, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो है ऐसे ही हाईवे पसंद है, क्योंकि इस हाईवे पे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं है और दूसरा नैरो रोड्स हैं। सो मुझे बहुत पसंद है यार इस तरीके के हाईवे, क्योंकि इन पे असली जिसे कहते हैं बाइकिंग की स्किल्स वो जो हैं वो टेस्ट हो जाती हैं कि आप मतलब कितने अच्छे बाइकर हो। लीन करने में जो है बाइक को बहुत मज़ा आता है। हाँ जी पीपल, तो मैं जो है थोड़ी देर के लिए रुक गया था, एक्चुअली कैमरे की बैटरी एक्चुअली में ख़त्म हो गई थी, तो वही चेंज करने के लिए मैं रुक गया था। बाकी नज़ारे एज यूजल बहुत बढ़िया हैं। छोटे 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 जो हैं कई गांव हैं यहाँ पे, और बहुत मज़ा आ रहा है यार। मतलब क्योंकि इस टाइम मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं है, और सौंधी सौंधी ठंडी ठंडी हवा में जो मज़ा है ना, वो सीरियसली कहीं और नहीं है मज़ा। तो कह सकते हो कि यार बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम जो है ना, बहुत मज़े वाला मोमेंट है मेरे लिए। सो अभी जो है ऑलमोस्ट 32-34 किलोमीटर जो है वो मुंशियारी है। थोड़ा रुकते हैं, फिर चलेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लें और फिर चलेंगे यार, अभी एकदम इतना जल्दी जल्दी नहीं जाऊंगा। ओके हाँ जी, 10-5 मिनट का जो है रेस्ट कर लिया है, और सोचा जा रहा है कि अब फिर चला जाए। जानना चाहता हूँ आप लोगों का क्या मत है। वैसे मेरा तो मत है कि चला ही जाए, क्योंकि यार देखो जितना लेट करते जाएंगे ना, फिर शरीर भी जो है उतना ही टूटता रहता है यार। पता नहीं क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लग रही है यार बहुत तेज भूख। यहाँ तो मैं इसलिए रुक गया कि मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, क्लाइमेट बड़ा अच्छा लगा, वरना मैं नहीं रुकता। तो अभी जो है 34 किलोमीटर के आसपास रास्ता है जो दिखा रहा है। इसे क्या हो गया, मेरा चार्जर क्यों नहीं लग रहा, लग गया आई थिंक। तो 34 किलोमीटर जो है वो डन करने हैं पेनियर लगा के। यार सच में नहीं बैठा जाता। चला जाए यार, बाइक स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ा जाए अब मुंशियारी की तरफ। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही रास्ता बस बाकी है, जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। और यार मुझे ना सीरियसली भूख अभी बहुत लग रही है, और यार मैंने एक्चुअली में जैकेट उतार दी है, ग्लव्स वगैरह अभी उतार दिए हैं, और उसी वजह से जो है मैं अच्छे तरीके से जो है राइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि गर्मी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और सफोकेशन इतनी हो रही है कि जैकेट बंद रहती है तो बहुत ज़्यादा जो है सफोकेशन अंदर फील होती है। इसलिए जो है अभी सब कुछ उतार दिया है, और उतार करके जो है आराम से राइड हो रही है। जल्दी से जल्दी जो है मुंशियारी पहुंचना है, और सामने के देख सकते हो यार नज़ारे गजब गजब नज़ारे हैं, गजब गजब नज़ारे हैं भाई। उत्तराखंड की बात ही कुछ और है यार। रीच्ड टू मुंशियारी, और यार कितना अच्छा मतलब रूम है। पहले तो रूम देखो, उसके बाद जो है व्यू देखो, वो देख रहे हो सामने, वो जो है वो पंचाचुली पीक है पूरा का पूरा। सीन ये कि पहले नहाना है, ठीक है, थोड़ी सी थकान मिटानी है। हालत कुछ इस तरीके से है, देख लो
गंदे शंदे हुए हुए हैं, थोड़ा सा टाइम दो, नहा धो करके फिर करता हूँ बात, या अगर नहीं कर पाया तो समझ लेना कि सो गया हूँगा। ठीक है दोस्तों।